Hello students, welcome back for new video. Asharadil from Gateway School. Video is for class 7th. Book Honeycomb, chapter 1, poem The Square. Now you may be thinking that, sir, why are you teaching the poem again? Because I have already taught the poem, right? Well, students, don't worry. I am not going to bore you with the second time teaching, because this time we are not going to learn the poem. I have already taught you the poem. This time I am going to talk to you about some other beautiful things about the poem. Now, in Hindi, when you read Kavita, there are other things in the poem, like Kavita mein कोई भी जो गाना होता है, कविता होता है, तो उसमें एक मिठास होती है कि नहीं. फिर उसमें जो शब्दों का चयन जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है. इंग्लिश में भी ऐसा कुछ है, उसको आज देखेंगे कुछ कुछ चीज़. पहले तो इसमें देखो, रिदम है इसमें. कैन यू सी द रिदम इन द पोम? अगर ये पोम में रिदम है तो इसको रिदमिक पोम कहेंगे. इसमें रिदम है, देखो तो. टेल, अच्छा, रिदम पहचानने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वर्ड जो है वो मैच करेगा अगर किसी भी लाइन पे एक दूसरे वर्ड से, तो समझ जाओ रिदम. टेल, ग्रे, नट, प्ले, ट्री, वे. तो टेल किसी से तो नट मैच नहीं कर रहा, लेकिन ग्रे जो है वो ग्रे मैच कर रहा है प्ले से और वे से. तो ग्रे, प्ले, वे, ये राइमिंग वर्ड्स है. तो ये पोम में रिदम है. इसमें नहीं है रिदम, तो इसको ए कहेंगे. अगर इसको ए कहोगे तो इसको बी कहोगे. अब ग्रे, प्ले, वे तीनों बी है, बी बी बी. लेकिन टेल ए है, ग्रे बी है, तो नट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. प्ले फिर बी हो जाएगा. ट्री फिर डी हो जाएगा. तो ए बी सी बी डी बी, ये इसका रिदम का स्कीम हो गया. इसको कहते हैं राइम स्कीम. तो इसका राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी डी बी. अच्छा, दूसरी चीज़ आओ, इस पोम में बात तो हो रही है गिलहरी के लिए, लेकिन तुम देखो गिलहरी जो है वो एनिमल है, तो उसके लिए इट लाते हैं. तो यहाँ तो ही लाया, ही फोर टाइम्स ही लाया. ऐसा क्यों किया बताओ? ऐसा इसलिए किया कि वो पोम को फनी बनाना चाहता है, वो पोम को बच्चे लोगों के लिए ज़रा फनी बनाना चाहता है, तो उसने ही का इस्तेमाल किया. देखो एक और चीज़ देखो, यहाँ वोर है. वोर कहते हैं कपड़ा पहना. क्या गिलहरी कपड़ा पहनती है? नहीं पहनती है. लेकिन उसके ऊपर जो उसका जो फर होता है गिलहरी का, उसको पोएट ने क्या कहा, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क. बल्कि ये दुम जो है उसका क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे होता है टेढ़ा, तो उसके लिए वोर यूज़ किया. तो जब किसी एनिमल को या कोई और चीज़ को आदमी की तरह अगर ट्रीट करेगा कोई पोएम में, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. तो ये दूसरी चीज़ आ गई, पर्सोनिफिकेशन. मतलब किसी ऐसी चीज़ को जो आदमी नहीं है उसको आदमी की तरह ट्रीट करोगे तो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा. तो स्क्वायरल के लिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन ही, पहले तो ही पर्सोनिफिकेशन हो गया, फिर ये वॉर जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन की तरह है. अच्छा, एक और चीज़ पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन पोम का सेम वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों लाइन इसके बाद ये वाला है सेम वर्ड से शुरू हो रहा है. अगर दो या दो से ज़्यादा लगातार लाइन सेम वर्ड से शुरू हो तो उसको एनाफोरा कहते हैं. क्या कहते हैं? एनाफोरा. सबका स्पेलिंग हम लिख दें. पर्सोनिफिकेशन, पर्सन जो है उससे बना है. तो यहाँ प्लेस है, देखो जगह है, तो मैं लिख रहा हूँ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन हो गया ये ही और वर. एनाफोरा क्या हुआ कि ये दोनों लाइन ही से शुरू हो रहा है. सॉरी, ये दोनों लाइन ही से ये भी शुरू, ही से ये भी शुरू,
तो इसको कहते हैं एनाफोरा, एनाफोरा। इसको देख लेना क्लोज करके वीडियो में, ये दो है। और एक और चीज मैंने क्या बताया कि रिदम ढूंढना है, तो राइम स्कीम इसका क्या है मैंने बता दिया है। तो ये दो तीन चीज है इस पोम में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पोम, इस वीडियो को एक दो मरतबा देखो, और ये जो मैंने बताया राइम स्कीम और पर्सोनिफिकेशन और एनाफोरा, इस तीनों चीज को कॉपी में लिख लो और इसका एग्जांपल लिख लो, क्योंकि अगले पोम सब में आएगा तो तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल मेक अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।